15 साल की आय में छोड़ा था घर, जेब में थे 300 रुपए, अब चला रही है 7.5 करोड़ की कंपनी। इंसान के हौसले जितने मजबूत होते हैं उसे कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। अपनी जिंदगी की हर परिस्थितियों का सामना हिम्मत के साथ करने से ही हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने हौसले की वजह से आज 7 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। चीनू काला के जीवन की कहानी उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। चीनू काला ने 15 साल की आयु से ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे और इन्होंने महज 300 रुपए के साथ अपनी जिंदगी शुरू की थी। 15 साल की उम्र में छोड़ना था घर। चीनू काला जब 15 साल की थी तो उन्हें किन्हीं कारणों के चलते अपना घर छोड़ना पड़ा। चीनू काला के अनुसार जब उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया तो उस समय उनके पास महज 300 रुपए और 2 जोड़ी कपड़े थे। चीनू काला के अनुसार 15 साल की आय में अपना घर छोड़ने का फैसला लेना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और अपने फैसले पर कामयाब रही। घर छोड़ने के बाद चीनू काला को रहने के लिए सराय मिली जहां पर उन्हें रहने के लिए 20 रुपए प्रतिदिन देने पड़ते थे। चीनू काला के अनुसार घर छोड़ने के बाद वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो गया। पैसे कमाने के लिए चीनू काला नौकरी की तलाश में लग गई है और इसी दौरान उन्हें सेल्स गर्ल का काम मिला। इस काम के तहत उन्हें लोगों के घर जाकर सामान बेचना पड़ता था। सामान बेचकर रोज चीनू काला 60 रुपए कमा लेती थी। हालांकि चीनू काला को लोगों के घर जाकर सामान बेचना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग उनसे सही तरह से बात तक नहीं किया करते थे, मगर चीनू काला ने अपना काम पूरा मन लगाकर किया जिसकी वजह से 1 साल बाद ही उनको प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिलने के साथ ही चीनू काला अन्य लड़कियों को काम सिखाने लग गई। इस काम के साथ ही चीनू काला ने दूसरा काम भी पकड़ लिया और वो बतौर वेट्रेस के तौर पर भी काम करने लग गई ताकि वो अधिक पैसे कमा सके। शुरू की खुद की कंपनी। इसी दौरान चीनू काला ने अमित काला से विवाह कर लिया। साल 2004 में अमित काला से विवाह करने के बाद उन्होंने मिसेज इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया और वो मिसेज इंडिया पेजेंट के आखिरी राउंड में अपनी जगह बना पाने में कामयाब हुई। मिसेज इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने के बाद चीनू काला की जिंदगी ने एक नया रुख लिया और उन्होंने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया। साल 2014 में चीनू ने फैशन ज्वेलरी का काम शुरू किया और 6-6 की जगह पर अपनी पहली शॉप खोली। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रूबंस डैश फैशन एक्सेसरीज रखा और धीरे धीरे उनका ये बिजनेस सफल होने लग गया और उन्होंने महज 2 साल के अंदर ही अपने व्यापार को अच्छे से स्थापित कर लिया। कमाए करोड़ रुपए। साल 2016 से 17 में उन्होंने 56 लाख रुपए की कमाई की। वहीं अगले साल उनकी आय 3.5 करोड़ हो गई। धीरे धीरे उनका व्यापार और बढ़ गया और अब उनकी कंपनी की आमदनी 7.5 करोड़ हो गई है। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी में 25 लोग काम भी करते हैं। 15 साल की आयु में शुरू किए गए संघर्ष ने ही चीनू काला को आज एक कामयाब बिजनेस वूमन बनाया है और वो लाखों महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं। चीनू काला के जीवन से हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम भी हर बुरी परिस्थितियों में अपने हौसले को कायम रखें तो हमें भी वो सब कुछ मिल सकता है जो हम पाना चाहते हैं।